देश में बढ़ती महंगाई की वजह से पहले से ही स्टार्टअप्स के निवेश में कमी आ रही है। ऐसे में बजट 2023-24 में सरकार ने विदेशी निवेशकों पर एंजल टैक्स लागू करने की बात कही थी। इस कदम से विदेशी निवेशक भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने से बच सकते हैं, जिसकी वजह से पहले से ही घट रहे निवेश पर असर हो सकता है। स्टार्टअप्स की इस समस्या के समाधान के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वित्त मंत्रालय के साथ बात कर रहा है। DPIIT ने वित्त मंत्रालय में स्टार्टअप्स के फेयर मार्केट वैल्यूएशन और एंजल टैक्स संबंधित मुद्दों को उठाया है। क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपत्ति के मामले में राहुल गांधी से बहुत पीछे हैं? पीएम मोदी के मुकाबले राहुल गांधी 637.9% ज्यादा अमीर हैं। इसी की वेबसाइट के मुताबिक पीएम मोदी के पास सिर्फ 2.23 करोड़ की संपत्ति है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुल 14.85 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। राहुल गांधी खानदानी संपत्ति के मालिक हैं, जबकि पीएम मोदी एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। राहुल गांधी के पास भले ही खानदानी संपत्ति हो, लेकिन उनके पास अपना कोई घर नहीं है, और कांग्रेस नेता ने छत्तीसगढ़ में खुद इस बात को स्वीकार किया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। उनके पास पहले गांधीनगर में एक जमीन थी, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले दान कर दिया था। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मतभेद की खबरों के बीच अब बीजेपी ने NCP को साथ आने का न्योता दिया है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में जनवरी फरवरी में समीकरण बदलेंगे, कांग्रेस खुद अलग थलग पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद के साथ आना चाहते हैं तो किसी को क्या समस्या है, रास्ता बड़ा है, एक कदम उन्हें बढ़ाने दीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। उधर अजीत पवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को महाविकास अघाड़ी में रार की वजह बताया है। इससे पहले अडानी मुद्दे पर विपक्ष की JPC जांच की मांग से भी NCP ने किनारा कर लिया था। JPC का जो